आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कहाँ है तो? कुंडा मोगा रहे थे। कुंडा मोगा कहाँ से आ रहे? बाहर कमाने गए थे। हाँ। जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ। आने का पैसे का। रुक जाओ ना भैया 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 मुझे ज़्यादा टाइम नहीं। एक मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते। कहाँ से आने हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं। किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो खाना योग्य नहीं था। कहाँ? रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी तरीके नहीं? कितने दिन हो? अरे बाप, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से। सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है? ठंडा पानी है? अच्छा, बढ़िया। सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? क्या बेटा, क्या बेटा? आपका भाई सर? नंतुमा। कहाँ से आ रहे हैं आप? विनार कैसरी फाटक से। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे आप साइकिल से? बिलासपुर। जी? बिलासपुर। बिलासपुर जा रहे हैं साइकिल से। आपकी ये पत्नी है जो साथ में जा रही है, और साथी भी तो हैं आपके साथ में। देखिए किए आ रहे हैं, है ना? क्या नाम है भाई साहब आपका? आप भी बिलासपुर जा रहे हैं? बिलासपुर। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये बताइए, बच्चा भी है आपके गोद में? तो ये लोग साइकिल से ही आप लोग जाएंगे? कितना टाइम लगेगा जाने में? अब एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। एक हफ्ता लग जाएगा जाने में आप लोग को? तो आप लोग सर, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ से। और कहाँ जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ जाएंगे, ये पंडित खेड़ा से आ रहे हैं सुबह। ये सब आप लोग साइकिल से जाओगे इतना दूर? हाँ, साइकिल से जाएंगे। क्या करेंगे भैया, कोई साधन नहीं है, क्या करेंगे? लेकिन कोई नहीं सर, ऊँट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नते करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे, और क्या करेंगे? अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मुसलमी है, स्वार्थी है। देख सकते न कुछ राशन मिल रहा है हम लोग को, तो क्या व्यवस्था है? भूखन हम लोग मर रहे हैं। यहाँ पुलिस नहीं जाने दे रही है, पुलिस पैदल जा रहा हूँ फिर भी पुलिस नहीं जाने दे रही है। अब पुलिस ना पूछ नहीं रही है कि खाओगे कि खाओगे कि नहीं खाओगे, कैसे जिए हो, कैसे पुलिस डंडे से मार मार के भगा रही है, नहीं जाने दे रही है कि हम लोग पैदल ही निकल जाए। हाँ, लेकिन वो भी नहीं करने दे रहे हैं। इतनी जिल्लत हो गई है मुंबई में। तीन चार दिन अभी क्या करेंगे, जाएंगे कहीं अपना फुटपाथ पे सोएंगे? सोएंगे बस्ती है, उत्तर प्रदेश है। हाँ, अरे साहब हम लोग 10 जन है, न कुछ खाना खाए खाए और न पानी पिए खाए। हाँ, और पुलिस डंडा मार रही है, पैदल नहीं जा दे रही साहब। अब बताओ हम लोग को न कोई भोजन देने वाला है कि एक लोग को एक टाइम पे खाना दे दे कोई? हाँ, सरकार कहते हैं कि हम बांट रहे हैं, अब यहाँ हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कभी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हम लोग भूखे मर रहे हैं, दूध दूध तीन तीन रोज पर एक कहूँ ते का कुछ बना खाइए, इसमें कुछ नहीं है। ये कपड़ा है खाली, चादर वादर यही, और क्या है साहब, कुछ नहीं है। निकल जाते हैं, कहते हैं सरकार दे रही, सरकार दे, सरकार क्या दे रही, कुछ नहीं दे रही है। बांटते हैं, वही खा लेते हैं, न कुछ खाने का व्यवस्था, न कुछ कोई सरकार नहीं कर रही साहब, कोई सरकार नहीं कर रही। हम लोग को तो भूखे मर रहे हैं, जो तीन रोज पे खाना खाया हूँ एक टाइम, और फिर भी पैदल जा रहा हूँ तो उधर केला वाला दिए, खाना दिए तो थोड़ा खाया। हाँ, thank you.
लगा है पुलिस वाला। क्या नाम बताया आपने? बिट्टू नाम है। बिट्टू नाम है। क्या काम करते हैं आप? सिलाई के काम करते हैं। अच्छा, मगर मालिक ने क्यों निकाल दिया आपको? हम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं घर पे, यहाँ पे हमारे पास राशन नहीं, तो हम भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। और काम वाम बंद हो गया है? काम हम सब बंद हो गया है। पुलिस ने क्यों मारा आपको? हम जा रहे थे ना दीदी के पास, वहाँ पे खाना तो खाएंगे ना, वहाँ पे जिंदा रहेंगे, इसलिए पुलिस आ रहे थे ना, पुलिस वाला मार दिया। कहाँ मार दिया? यहाँ पे मार दिया। अच्छा, पुलिस वाला कितना बड़ा दिल है, एक बाला गाजी करते। कहाँ रहती है दीदी आपकी? यहाँ रेस कोर्स में रहता है। ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ठेकेदार। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 15 दिन के बाद आप बच गए, ज्यादा से ज्यादा सब खत्म हो गया, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे जिएंगे, इतना तो मैं मर ही जाना चाहिए, हम जाके एक्सीडेंट में मर जाएंगे, सही रहेगा।